हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नाज किचन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चिल्ली। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ हिट द बेल आइकन गाइस। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। ये है हमारा इंग्रेडिएंट्स गाइस। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटो केचप, यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिल्ली सॉस और सोया सॉस, यहाँ पे मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है। चलो तो कर, मैंने 2 एग लिया है, 1/2 लेमन जूस, नमक, रेड चिल्ली पाउडर ज़ाफ़रानी रंग, ग्रीन चिल्ली, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटे हुए प्याज, अदरक पेस्ट, फाइनली चॉप्ड लहसुन, अदरक पेस्ट, फाइनली चॉप्ड लहसुन। फिर मैंने चिकन लिया है और इसे मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें पहले रंग डाल रही हूँ, थोड़ा सा रंग देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च, एक डाल रहे हैं, 2 एग डाल लेंगे हम और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक एक करके एक डालना है, जितना लगेगा उतना ही डालिए आप। इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा डालना है। लेमन जूस डाल रहे हैं हम और नमक डाल लेंगे अब हम इसमें, इसे अच्छी तरह से मिला के। और अब हम अपनी कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें फ्राई करेंगे। तो आइए अब हम फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई यहाँ पे मैंने लिया और उसमें अब हम तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसमें फ्राई कर लेंगे चिकन को। तो तेल गर्म होने के बाद हम इसमें फ्राई करेंगे। तो अब हम इसे फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे इसका। तो अब हम इसे थोड़ा चला लेते हैं। चिकन क्रिस्पी हो चुका है गाइस और अब मैं इसे निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी है गाइस, आप इसे ऐसे ही भी खा सकते हैं। हो चुका है और अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, प्याज डाल लेंगे, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना शिमला मिर्च, ग्रीन चिल्ली, चिकन, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
यहाँ पे मैं टमाटो सॉस डाल रही हूँ, चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। चिल्ली सॉस आपको अच्छे से डालना है। यहाँ पे मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये है गाइस हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली तैयार। थोड़े देर हमें इसे भून लेना है और ये रेडी टू सर्व है। ये थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। लास्टली मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, फिर से इसे मिला लूँगी। और बस अब हम इसे, मैंने इसे 5 मिनट तक भून लिया है, अब इसे बस सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा चिकन चिली तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आइए अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं और इसके मज़े लेते हैं। मेरा चिल्ली तैयार हो चुका है और मैं इसे ग्रीन चिल्ली से गार्निश कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसे ट्राई करना और अगर आपको पसंद आए। मेरा चिल्ली तैयार हो चुका है और मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप यू गाइज आपको पसंद आएगा। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।